नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चुनाव में मायावती के एक्टिव नहीं होने पर प्रियंका गांधी हैरान, कहा बीजेपी का हो सकता है दबाव। किन्नी टाइम्स, किरण सिंह तंवर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही दिन शेष हैं। इस क्रम में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने राज्य के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की चुप्पी पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा, मैं मायावती के चुनाव अभियान शुरू न करने पर बेहद हैरान हूँ। प्रियंका ने कहा, 6-7 महीने पहले तक हमें लगता था कि उनकी पार्टी एक्टिव नहीं है, हमें लगा शायद वो चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम भी बहुत हैरान हैं कि चुनाव शुरू हो गया है, हम बीच चुनाव में हैं और जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो मायावती अभी एक्टिव नहीं है, उन्होंने चुप्पी साध रखी है, ये मेरी समझ के बाहर है। प्रियंका आगे कहती है, ये भी संभव है कि भाजपा सरकार मायावती पर दबाव बना रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद गठबंधन की संभावनाओं पर प्रियंका ने कहा, बीजेपी के लिए दरवाजा पूरी तरह बंद है, लेकिन अन्य पार्टियों के लिए खुला है। कांग्रेस नेता ने कहा, समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक ही तरह की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी राजनीति से फायदा हो रहा है। सांप्रदायिकता और जातिवाद के आधार पर आगे बढ़ने वाली पार्टियों का सिर्फ एक एजेंडा है, वो एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।